बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां पर भगवान जगन्नाथ की तर्ज पर बालाजी मंदिर से भगवान बालाजी की रथ यात्रा निकाली गई। बता दें कि प्रतिवर्ष व शारदीय नवरात्र के 9 दिनों तक भगवान बालाजी रथ में सवार होकर नगर का भ्रमण करते हैं और भक्तों का हाल जानते हैं। इस दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, पूर्व निगम सभापति मनोज तारबाला बालाजी शरण पहुंचे। उन्होंने भगवान बालाजी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और प्रार्थना की। इसके बाद भगवान बालाजी का रथ खींचकर रथ यात्रा की शुरुआत की। हमारे प्रदेश के सुख शांति समृद्धि के लिए हमने भगवान बालाजी महाराज के चरणों में प्रार्थना करी और मध्य प्रदेश में ऐसे भगवान बालाजी महाराज है कि जो नगर की जनता को दर्शन देने के लिए स्वयं नवरात्रि का दिन से शुरुआत से 10 दिन तक नगर भ्रमण करते हैं और 10 दिन के बाद में 3 दिन का मेला ताप्ती नदी के तट पर लगता है। तो ऐसे बालाजी महाराज का हमारे क्षेत्रवासियों पर, हमारे प्रदेश पर कृपा बनी रहे। बालाजी भगवान इस रघुनपुर के बुरहानपुर के देवता हैं और ऐसे देवता हैं जो दर्शन देने के लिए गली गली घर घर भक्तों के पास पहुंचते हैं और इनसे मेरी हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से यही प्रार्थना है कि बुरहानपुर एक बेहतर परिस्थिति में हो। बुरहानपुर बहुत क्षमतावान लोगों का एक स्थान है। बुरहानपुर में आगे बढ़ने की, बेहतर जीवन जीने की, तरक्की करने की, विकास करने की बहुत संभावनाएं हैं। हम सुखी जिए, हम स्वस्थ जिए, हम प्रेम से जिए, हम आगे बढ़े और हमारे इस नगर का नाम देश में, दुनिया में अपने कौशल से, अपने मेहनत से निरंतर आगे बढ़ता जाए।